काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, हम है साउथ मुंबई में। आज हम जा रहे हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल को कवर करने। जी हाँ, तो चलिए फटफट पहुंचते हैं फेस्टिवल के वेन्यू पर। फेस्टिवल के वेन्यू के अंदर एंटर कर चुके हैं। एंट्रेंस गेट भाई पूरा वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बनाया है ये सारा। फेस्टिवल के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये बुकलेट ले लेना है, जो कि 94 स्टॉल नंबर के पास में से है। 30 रुपीज़ इसका चार्ज है भाई। ये बुक में सब कुछ पूरा इन डिटेल लिखा है, कौन सा इवेंट किधर है, कितने बजे है और कौन से जगह पर है। तो ये सेवियर बुकलेट है पूरा शेड्यूल का, ये ज़रूर आप लीजिए। 9 के 9 दिन का पूरा शेड्यूल इसमें दिखेगा। 20 से लेकर 28 जनवरी तक का है ये फेस्टिवल। फेस्टिवल का आज डे वन है, आज 20 जनवरी 2024 है और हम पहले दिन यहाँ पर आए हैं। 10 बजे ये पूरा फेस्टिवल ओपन हो जाता है। ये फेस्टिवल है 20 से लेकर 28 जनवरी तक। ये बॉक्सेस से बनाए हुए कार्टून से। फेस्टिवल का थीम ऐसा लग रहा है कि वेस्ट में से बेस्ट बनाना है। यहाँ पर देखिए ऑक्टोपस बनाया हुआ है। फेस्टिवल में आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, बैगेज नहीं लाना है, क्योंकि हर एक वेन्यू पर अच्छा खासा चेकिंग है। तो चेकिंग में टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई खाली हाथ फटाफट अंदर एंट्री करिए और यहाँ पर सारे विजुअल आर्ट देखिए। वो वेस्ट बॉटल से बनाया है, काफी खूबसूरत लग रहा है, फिश का शेप भी है। इस फेस्टिवल में काफी सारे विजुअल आर्ट आपको देखने मिलेंगे, काफी सारे वेन्यूज है और काफी सारी मूवीज, डॉक्यूमेंट्री और थिएटर्स, हेरिटेज वॉक, बहुत कुछ है और ये सब कुछ फ्री में है। जी हाँ, नॉर्मली फेस्टिवल्स में इसका सबका चार्ज रहता है, पर काला घोड़ा फेस्टिवल में ये सब कुछ फ्री है। पूरे साल में फेस्टिवल का वेट करता हूँ कि कब ये फेस्टिवल आए। अभी हम है वास्तु संग्रहालय में, यहाँ पर चिल्ड्रंस विजुअल आर्ट देखने वाले हैं। यहाँ पर उनके वर्कशॉप भी होते हैं, पहले विजुअल आर्ट देख लीजिए। देख लो भाई वास्तु संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के लॉबी में, मीन्स गार्डन एरिया पे ये सारा पूरा विजुअल आर्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अंदर आने के लिए कुछ पैसा नहीं देना है। अगर आप ये बिल्डिंग में जा रहे हो म्यूजियम देखने के लिए तो उसका चार्ज है। तो भाई खास ये बात का ध्यान रखिए, पैसा किधर नहीं देना है। तो अभी हम हैं स्टॉल नंबर 71 के ठीक पास में, यहाँ पर खाकी लैब के स्टॉल पर। वो हर साल ये हेरिटेज वॉक कंडक्ट करता है फ्री ऑफ चार्ज काला घोड़ा फेस्टिवल में। एक्चुअल प्राइस इसका 350 to 500 अराउंड है, पर काला घोड़ा फेस्टिवल में ये सब कुछ फ्री है। 3 बजे से यहाँ पर कूपन्स मिलेंगे। आज 20 जनवरी है, आज कुछ 4 वॉक्स है तो आप कूपन्स ले सकते हो। 9 के 9 दिन कुछ ना कुछ है यहाँ। तो लास्ट ईयर यहाँ पर हमने हेरिटेज बस राइड लिया था। जी हाँ, ओपन एयर बस राइड, जो कि अभी बंद हो गया है, पर यहाँ पर अभी दूसरे नाम से एक हेरिटेज वॉक स्टार्ट किया है, फोर्ट दर्शन। अभी हम आए हैं यशवंत चौहान सेंटर पर एक प्यारा सा एक्ट देखने। दमदार एक्ट देखने के बाद अभी हम आए हैं कूपरेज बैंडस्टैंड, हमारे नेक्स्ट वेन्यू पर। तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं विजुअल आर्ट और कुछ परफॉर्मेंस भी है, वो भी देखेंगे।
बैंक स्टैंड में काफ़ी कूल एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। गार्डन में भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉल्स भी लगाया, अपना हैंडमेड पोट्रीज वगैरह भी बेच रहे हैं सामने। और कुछ ही समय में यहाँ पर म्यूजिकल शो स्टार्ट हो जाएगा, वो तबला वगैरह जो आपने देखा अभी वो। तो इससे पहले हमको जाना है क्रॉस मैदान, वहाँ पर काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होगा। जी हाँ, ऑलराइट, तो हम आ गए क्रॉस मैदान में। यहाँ पर विजुअल आर्ट का पूरा भंडार है। और एक बात का खास ध्यान रखिए, यहाँ पर आने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और काफ़ी सारी लाइन है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ऐसी बैंड वगैरह मिलती है, देख लो। और कुछ ही टाइम में यहाँ पर इनॉग्रेशन का कामकाज भी चालू हो जाएगा, तो वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कलरफुल मिरर्स है, यहाँ से लाइन से सारे रेनबो कलर्स है यहाँ पर। और यहाँ पर तो यहाँ पर आते हो आप, अपना सेल्फी निकालिए। सवेरे 10 बजे से हम ये काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में आए हैं, पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। अभी शाम के बज रहे 7 और हमने काफ़ी कुछ किया आज, काफ़ी सारा विजुअल आर्ट देखा और सिनेमा देखा, थिएटर देखा। जी हाँ, एकदम फनन फन धमाल, पूरा मज़ा आ गया पूरा दिन। ऐसा और 8 दिन होने वाला है। जी हाँ, 20 तारीख से 28 जनवरी तक है। और यहाँ पर आने से पहले रजिस्ट्रेशन खास करिए, रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है, देखो मेरे आसपास में भाई सारे यंगस्टर और सारे एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है और 2-3 दिन आना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन एक नया आर्ट और एक नया थिएटर है और एक नया सिनेमा, भाई कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा ये फेस्टिवल से। और ये फेस्टिवल में भाई 1 रुपया नहीं देना है, सब कुछ फ्री है, ये इसका बेस्ट पार्ट है इस फेस्टिवल का। तो वीडियो को ढेर सारा शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आगे भी आती रहेगी। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, जय हिंद।